शेयर बाजार में पैसा लगाना क्यों जरूरी है दोस्त। और आज इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आने वाले समय में अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं करते हैं और सिर्फ फिक्स डिपॉजिट करते हैं, सेविंग करते हैं, म्यूचुअल फंड लेते हैं या SIP लेते हैं, और अगर आप किसी तरह का प्राइवेट जॉब कर रहे हो या किसी भी सरकारी संस्था में आप नौकरी कर रहे हो, या आप का बच्चा 10 साल का हो चुका है, या आपकी अभी अभी शादी हुई है, या आने वाले 5 साल बाद शादी होने वाली है, तो आप अभी से इस वीडियो को जान लीजिए कि शेयर बाजार में पैसा लगाना क्यों जरूरी है। पहली बात कि आप जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं, सेविंग करते हैं, SIP करते हैं या म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो आज से कर दीजिए बंद। डंके की चोट पे 100% गारंटी के साथ कहते हैं BA BK सिंह, और ये आपको करना ही होगा। एक तरफ म्यूचुअल फंड, एक तरफ SIP, एक तरफ म्यूचुअल फंड, एक तरफ फिक्स डिपॉजिट और एक तरफ शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट। आपको मालूम होगा दोस्तों, आज देश की सबसे बड़े पैसे वाले कौन कौन हैं, और आपको इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ और कि आपको ताज़ा ताज़ा वीडियो बहुत सारे मिले होंगे और बहुत सारे ताज़ा ताज़ा खबरें। कोई ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं होगा और कि इस बात को आप इतना जल्दी भूल जाए, क्योंकि आप लोग ये भी कहेंगे सर कहाँ थे 1 सप्ताह से, 4 दिन से, 3 दिन से। तो आपको मैं बता दूं, जब इतनी बड़ी देश के सबसे अमीर बेटे की, शहजादे की शादी हो, तो शेयर बाजार से जुड़े हुए वो भी मुंबई में रहने वाले लोग अगर उसमें व्यस्त नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं है। इतनी छोटी मोटी शादी नहीं हुई थी और अभी भी कार्यक्रम चल रहा है। तो इस सारे इंडस्ट्रीज की जो लिस्ट बनी थी, कुछ लोग इंटरनल रहते हैं, कुछ फ्रंट पर रहते हैं, तो जो बड़े वर्ल्ड लेवल के लोग हैं, वर्ल्ड लेवल की, इंडिया लेवल की बात नहीं, वर्ल्ड लेवल के लोग हैं, तो वो वीडियो में आपको दिखे होंगे। और यही कारण था कि शादी विवाह के मौसम में हम भी थोड़ा व्यस्त हो गए थे, लेकिन अब आपको अपडेट मिलते रहेगा। चलिए, रिलायंस की बात कर रहा हूँ दोस्तों। धीरू भाई अंबानी ने अपने इस रिलायंस कंपनी को कैसे पहुँचाया आज 21 लाख करोड़ का मार्केट कैप, और 21 लाख करोड़ का जो कैपिटल है वो उनका नहीं है दोस्तों। ये उनका नहीं है, ये इन्वेस्टर का है। और ये इन्वेस्टर अगर चाह के भी चाहें कि कंपनी में अपना कोई एडमिनिस्ट्रेशंस अपनी मनमानी कर सके, तो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि एक शेयर के आप हिस्सेदार सिर्फ हैं, उस 21 लाख करोड़ की कंपनी के मालिक नहीं हैं। और मैं आपको बता दूं, ये तो छूटने वाला नहीं है, तो चलता रहेगा, जानते हैं आप लोग, आते रहते हैं कॉल, क्योंकि शेयर बाजार में आप पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं वो आप बिना आंख मूंद कर, किसी के कहने से, किसी के बताने से, किसी का वीडियो देखकर कर लेते हैं। लेकिन कौन सी कंपनी का प्लानिंग बढ़िया है, किस कंपनी का फ्यूचर बढ़िया है, उस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं आने वाले फ्यूचर में देश के लिए, समाज के लिए, हमारे और आपके गृहस्थ जीवन में लिए, जीवन के लिए, घर के लिए, बाहर के लिए, हमारे देश के विकास के लिए, उस कंपनी की जो योजना है दोस्तों,
जो कंपनी का प्लानिंग है वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप, इसलिए मैंने रिलायंस का नाम लिया कि रिलायंस अभी आज के डेट में इंडिया का निफ्टी 50 का और देश की सबसे बड़ा कैपिटल वाला कंपनी है, 21 लाख करोड़। उसके नीचे है 15 लाख करोड़ TCS का, उसके नीचे है 14 लाख करोड़ का एयरटेल, और उसके नीचे सब 5 लाख करोड़, 10 करोड़ तो बहुत सारे हैं, 7-8 लाख करोड़। हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शेयर बाज़ार में पैसा क्यों लगाना चाहिए। दूसरी तरफ इस बात का पूरा कंक्लूजन निकाल दूं ना तो आप भी कहेंगे सर क्योंकि शेयर बाज़ार में आप वैसी कंपनियों में पैसा लगाते हैं जहां पे आपका पैसा बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता ही रहता है, क्योंकि उस कंपनी की जो प्लानिंग है, जो योजना है, जो उसका ड्रीम्स है, जो उसकी थॉट्स है, वो आपको नहीं मालूम होने देंगे। और इस आपको क्या फ़ायदा है कि जो उस कंपनी में अगर पैसा आप लगाते हैं तो ऐसे रिलायंस का अभी भी फेस वैल्यू 10 रुपया क्यों है दोस्तों, 10 रुपया फेस वैल्यू है। अगर ये 10 रुपया फेस वैल्यू इस टाइम से लिस्टिंग कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया तक हो गया, लेकिन क्यों रिलायंस का फेस वैल्यू क्यों स्प्लिट नहीं होता है, इसके लिए मैं वीडियो एक अलग बनाऊंगा दोस्तों। और ये भी देखेंगे कि शेयर बाज़ार में रोज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर नहीं बढ़ता घटता है, एक ही बारी ब्लास्ट हो जाता है। क्यों? कि इनकी जो क्वार्टरली रिजल्ट का जो सिस्टम है और शेयर बाज़ार को समझना इनकी बस की बात है, क्योंकि गुजरात जो है शेयर बाज़ार का जन्मदाता है दोस्तों। अगर आप भी गुजरात में रहते हैं तो आपको देखेंगे कि कोई भी 100 में से 99 जो घर होगा, चाहे वो लड़का 10 साल का हो 12 साल का हो, शेयर बाज़ार के बारे में वो कीड़े होते हैं उसके। क्यों? महाराष्ट्र के जितने भी लोग एम्प्लॉई हैं, जॉब में हैं, शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? कर्नाटका और क्यों मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी के लोग शेयर बाज़ार से बहुत दूरी बना के रखे हैं, और इसमें उनका दोष नहीं है दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ दोष है उनकी सोच का। आप हमारे जैसे लोग जो आप शेयर बाज़ार में अभी इन्वेस्ट करना शुरू किए हैं, मैं एक एक बारीकियां बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में दोस्तों। शेयर की चर्चा तो होती रहेगी, लेकिन जब ये बातें, कथा हमारी जो है, अगर आपकी भेजे में समझ में आ गई तो समझिए कि जीवन बदल जाएगा। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं दोस्तों, चलिए पहले वो तो बता दूं, धीरू भाई अंबानी ने एक एक शेयर जी आपको मैं बता दूं, 5-5, 6-6, 10-10 रुपया का शेयर 25 साल पहले उन लोगों को, उन गरीबों को बेच रहे थे। कैसे? ऑनलाइन नहीं, घर घर जाकर। घर घर जाने का मतलब हर उनके जान पहचानों को, लोगों को बोलते थे ये हमारी कंपनी का, कब? जब लिस्टिंग नहीं हुई थी तब, उसको बोलते हैं प्री IPO। तो ये शेयर बेचना देना शुरू किए, लिखा पढ़ी के साथ होता चलता गया सिलसिला, और आज देख लीजिए 5 रुपये का शेयर लगाने वाले लोग क्या वो अरबपति बन गए। रिलायंस कंपनी में 25 साल पहले लगाने वाले लोग अरबपति खरबपति नहीं बने, करोड़पति भी नहीं बने, लेकिन कंपनी बन गई दोस्तों। यही तो बात मैं समझाना चाहता हूं। आपका 5 रुपया का शेयर रिलायंस इंडस्ट्री में आज सिर्फ 3,100 के आसपास है, 3,200 के आसपास, लेकिन वही 5 रुपया का स्टॉक लगाने वाले स्टॉक में वो कंपनी स्प्लिट भी हुआ और उस कंपनी का 5,000 के आसपास उसका शेयर का दाम है। आप सोच लीजिए कि जो शेयर बाज़ार में दिखता है
वो नहीं रहता है। जो शेयर बाजार में आप न्यूज़ खबर वीडियो देखते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ MBA BK सिंह बता रहे हैं आपको, क्योंकि शेयर बाजार में उन्हीं का आज भी 90% वीडियो बनते हैं, न्यूज़ खबरें आती है, गूगल को कैप्चर किया गया है, यूट्यूब को कैप्चर किया गया है, इंस्टाग्राम को कैप्चर किया गया है और सारे न्यूज चैनलों को जो आप जो देखते हैं। ऐसा नहीं, अपना पैसा, कंपनी तो एक है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे नाम है, कंपनी एक है जो आप जानते हैं, लेकिन 100-100 कंपनियां बनाए हैं और उस कंपनी में इन्वेस्ट ऑलरेडी ट्रेडिंग होता है। कभी भी उसमें जब लोअर सर्किट लगता है और अपर सर्किट जो लगता है उस खेल में आपको फंसा दिया जाता है, जीवन भर उभर नहीं पाते हैं। लेकिन MBA BK सिंह कहते हैं आपको न तो जीवन में कभी फंसने देंगे और न ये ऐसे लोग जो मगरमच्छ की तरह स्टॉक मार्केट में जुड़े हैं उनके मगरमच्छ के मुंह से हलक से निकाल कर नुकसान लाते हैं MBA BK सिंह, ये भी जान लीजिए। और MBA BK सिंह न तो इस स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का दलाली करने आए हैं, न किसी प्रमोटर की दलाली करने आए हैं और न किसी न्यूज़ चैनल की दलाली करने हैं और न ही विदेशी पैसा लेकर यूट्यूब का वीडियो बनाते हैं। दोस्तों हम तो आए हैं सिर्फ और सिर्फ देश के वैसे लोगों को शेयर बाजार के बारे में एक एक बारीकियां बताने के लिए जो नहीं जानते हैं, फंस जाते हैं। और FNO तो हमारा दुश्मन है दोस्तों, ये FNO करने वाले। दूसरी तरफ मैं बताऊँ, फ्यूचर बाई सेल पुट कॉल 108 बार कान पकड़ कर उठ बैठ, जो नहीं किए दोस्तों हमारा एक वीडियो है देख लीजिए, अभी नहीं तो एक बार प्रण कर लीजिए, वरना कोई नहीं बचाएगा हमको। हमारे साथ जुड़े हुए मेंबर लोग भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं, हमें बीच बीच में समझ में आती है दोस्तों। तो आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है दोस्तों, पैसा ऐसा आपका है, हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे दर्द होता है कि आप कभी भी FNO से अरबपति नहीं बन सकते दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ एक ही आपको फंडा है, सिर्फ डिलीवरी इक्विटी में और उसके ऐसे जगह में पैसा लगाना, भले 3 महीना 6 महीना 1 साल लग जाए, 3 साल लग जाए दोस्तों, लेकिन आपका पैसा म्यूचुअल फंड से, फिक्स डिपॉजिट से, सेविंग से या किसी तरह के इन्वेस्टमेंट में, कहीं से बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिले, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। और जो MBA BK सिंह के साथ जुड़े हैं उनको तो 3 साल के बाद पता चला कि ऐसी बातें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ पर धीरू भाई अंबानी ने चला था, और वो तो उतना पढ़े लिखे नहीं थे, ईश्वर के और माँ सरस्वती की कृपा से तो MBA BK सिंह कि इतनी तो बुद्धि है ही कि किस तरह का कंपनी बनाना चाहिए, कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कराना चाहिए और प्री IPO के पहले क्या करना चाहिए, IPO के पहले क्या करना चाहिए। तो वैसे लोगों को एक हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, आज लगभग 1 साल से भी कम हुआ, लेकिन 1 साल होने जा रहा है दोस्तों। अगर आप जुड़ना चाहते हैं MBA BK सिंह के साथ और अपने पैसों को कभी भी नुकसान नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ डिलीवरी में काम करते हैं और कराते हैं, तो 9920560932 एक नंबर है दोस्तों, और ये नंबर डंके की चोट पे 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि हम MBA BK सिंह कमिटमेंट टू ऑल ऑफ यू 100%, आपसे वादा है मेरा दोस्तों, आज से नहीं, मैं जो कहता हूँ वही होगा स्टॉक मार्केट में। और हमारा स्टॉक मार्केट कोई जन्म जुगी नहीं है, हमारी सॉफ्टवेयर, हमारी मेहनत और हमारी 16 से 20 घंटे की मेहनत आपको मिलता है दोस्त। कोई भी आज तक मेरे से जुड़े हुए लोग, अगर 100 में से 98 लोगों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर वो नुकसान में है तो कमेंट लिख दीजिए, और ये मैं अपने ऊपर इतना विश्वास करता हूँ दोस्तों। क्यों विश्वास करते हैं, हम किसी के न तो बहकावे में आते हैं और न हम किसी के पीछे जाते हैं, हम तो अपना रास्ता खुद बनाए हैं और उस रास्ते पे आपको भी चलने के लिए इसलिए बार बार करते हैं, इसलिए कहते हैं
कि हम नहीं चाहते कि आपका भी शेयर बाज़ार में नुकसान हो जाए दोस्तों, और नुकसान से बचना है, और आपके पोर्टफोलियो में नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा स्टॉक बेचें, कौन सा खरीदें, या कौन सा स्टॉक को निकाल कर फेंक दें दोस्तों, कब ऊपर जाता है तो बेच देना चाहिए, कब नीचे आएगा तो खरीद लेना चाहिए, अगर ये दो काम नहीं करेंगे तो शेयर बाज़ार में पैसा नहीं बनेगा दोस्तों। वो ज़माना चला गया कि 20 साल 25 साल रखें और आप करोड़पति बन जाए दोस्तों, कभी नहीं बन सकते हैं। और इसीलिए हमने रिलायंस का एग्जाम्पल दिया, 20 साल 25 साल में 5 रुपया लगाने वालों का सिर्फ आज के डेट में 21 रुपया हुआ दोस्तों, वैसे ही 5 रुपया लगाने वाले लोगों को एक एक स्टॉक में 1,00,000 रुपया हुआ है, ये भी मैं बता दूं। वही आयशर मोटर की बात करता हूं दोस्तों, एमबीए बीके सिंह की, आपको जीवन चेंज किया, 2,35,000% का कमाई करके दिया आयशर मोटर, वही डेट में वही साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिस्टेड हुआ उसी प्राइस में, आज कितना, मात्र 4,000-4,500% का कमाई दिया। आप सोच सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में आपको क्या ऐसे घड़ियाल वाली कंपनी में पैसा लगाकर आप बन सकते हैं, नहीं बन सकते दोस्तों, और ये लिख लीजिए बॉन्ड पेपर पर एमबीए पीके सिंह की बात। कभी भी आप ऐसे शेयर में एमबीए पीके सिंह पैसा लगाते हैं जो दिन दूना रात चौगुना पड़ता है दोस्तों, वैसे स्टॉक में पैसा लगवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट तोड़ कर भी पैसा लगाते हैं दोस्तों। आप सुन लीजिए, फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो फिक्स डिपॉजिट अगर आप 5 साल 10 साल के लिए करते हैं दोस्तों तो आपका पैसा घट रहा है। क्यों? आपको बैंक कितना देता है, 7% नहीं 4% से डिपॉजिट पे, 4.5% 3% 4.5% से लेकर 7% मैक्सिमम 7-7.5% आपको ब्याज मिलता है दोस्तों, लेकिन आप लोन लेने जाइए तो आपको आज के डेट में भी 10-14% से 18-18% तक ब्याज देना पड़ता है। तो आप अगर उस पैसे को आज डिपॉजिट करते हैं 5 साल के लिए तो आपका पैसा कितना मिलेगा, 7-8%, और उस समय अगर कुछ खरीदने जाएंगे तो वो कीमत लोन लेंगे तो आपको कम से कम आज 14% है तो 18% भी आपको देना पड़ सकता है। आपका पैसा बैंकों में घट रहा है और ब्याज बढ़ रहा है। नहीं समझ में आया तो कमेंट में कीजिए दोस्तों। अगर कहने का मेरा मतलब, अगर पैसा आप बैंकों में रखते हैं किसी भी डिपॉजिट तरीके से तो आपका पैसा दिन पर दिन रोज घट रहा है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ ये शेयर बाज़ार ही है जो आपके पैसे को दिन दूना रात चुगना, अगर 18% ब्याज है आज के डेट में तो आज एक साल में कंपनियां आपको मालूम नहीं है कि कम से कम 300% से लेके 3,000% 30,000% तक कमाई करना सीख लिए हैं लोगों दोस्तों। आप भी अगर चाहते हैं, क्यों कैसे, अब रह गया कि शेयर बाज़ार में पैसा कहाँ लगाया जाए, किसके कहने से लेकर, वो आपको मालूम नहीं दोस्तों। तो आप अपना जो नुकसान कर दिए दोस्तों, एफएनओ में लाखों करोड़ों रुपया नुकसान करके अगर चले गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, एमबीए बीके सिंह के रास्ते पे चलिए, 9920560932। और 15 अगस्त से पहले तैयार हैं, 15 अगस्त से पहले तैयार है एक एक स्टॉक में 25-25% 3-6 महीने में कम से कम 25-25% तो मिनिमम दोस्तों, 100% भी हो सकता है। अगर ऐसे स्टॉक आप भी चाहते हैं, हमारे सभी मेंबर को हमने दे चुका है 5-5 स्टॉक, अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाला 15 अगस्त से पहले वैसे स्टॉक ले लें जो फिक्स डिपॉजिट से लेकर रेकरिंग और म्यूचुअल फंड से ज़्यादा दे, तो एमबीए पीके सिंह के जो सब्सक्रिप्शन है, जो उनकी मापदंड है एक साल का, आपको मैं बता दूं अभी सस्ता है वो, आप जान लीजिए, 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट 3-5 साल के लिए कीजिए और आपके पैसे 100% गारंटी है कि डूबने नहीं दूंगा। और हमारी फीस है एक साल का फीस है हमारा दोस्तों 15
अगस्त से शुरू हो जाएगा दोस्त, 3 से 5 साल वालों के लिए। 1 साल का फीस है 15 अगस्त के बाद, वो भी जान लीजिए 43,000। 1 साल का फीस 43,000, 2 साल का हमारी फीस है, बताने का फीस है वो भी आप जान लीजिए, 2 साल का फीस है 61,000, और 3 साल का फीस है हमारा 88,000, और 4 साल का नहीं है, 5 साल का फीस हमारी है 1,60,000। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप भी हमसे लाइफ टाइम के लिए जुड़ सकते हैं, और लाइफ टाइम के लिए MBA BK सिंह लेते हैं 16 लाख रुपये, और ये लाइफ टाइम में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है वो सभी को मालूम चलेगा। जो 6 महीने से जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत जल्द मिलने वाला है 15 अगस्त से पहले। अब भाई दोस्तों, मेरा गुजारिश है, अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है कॉलेज जाता है तो शेयर बाज़ार की बहुत सारे वीडियो आते हैं, फंसने नहीं देना है। सिर्फ मेरी एडवाइस है वो वीडियो वैसे लोगों का देखें, क्योंकि शेयर बाज़ार में कैसे पैसे बनते हैं, शेयर बाज़ार क्या चीज़ है, शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, आपको इस वीडियो में मालूम चल गया कि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो ये है हमारी अपनी व्यक्तिगत राय, शेयर बाज़ार में पैसा आज भी लगाएंगे तो कल आपको नुकसान नहीं होगा। नुकसान करने वाले 100 में से 90 लोग तैयार हैं, YouTube पे, ट्विटर पे, एक्स पे, Instagram में, वेबिनार में, टेलीग्राम्स में, क्लासेज में, और तो और दोस्तों लोकल, अगर आप जहाँ रहते हैं अगर वहाँ पे कोई डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको आता है तो डीमैट अकाउंट ज़रूर खोल लीजिए, लेकिन अगर वो इन्वेस्ट करने के लिए या FNO की बात करता है, फ्यूचर ट्रेडिंग और FNO पुट कॉल सेल बाई के लिए बात करता है, तो तुरंत हमें फ़ोन कीजिए और उसके बाद हम बताते हैं उसको। इसलिए कि जिस तरह LIC एजेंटों को कमीशन मिलता है, उसी तरह कंपनियों ने, ब्रोकर हाउसेज ने डीमैट अकाउंट खोलने वालों को बहुत ज़्यादा कमीशन देते हैं, और इस कमीशन के लालच में अच्छे अच्छे इन्वेस्टर को ये ब्रोकर हाउसेज के सब ब्रोकर जो दलाल हैं ये लोगों को नुकसान पहुंचा रहे। दोस्तों मेरा हाथ जोड़कर विनती है आपसे, नम्र प्रार्थना है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अपनों से बच कर रहिए, डीमैट अकाउंट ज़रूर खोलिए और ब्रोकर हाउसेज से भी सावधान रहिए। कभी भी फ़ोन पे अगर ऑर्डर देते हैं और फ़ोन पर बेचते खरीदते हैं तो भी सावधान हो जाइए, क्योंकि वो कोई रिकॉर्डिंग काम नहीं आती है, कोई लिखा पढ़ी बात काम नहीं आती है जब ये चोरी पे और बेईमानी पे उतर आएंगे। दोस्तों ये भी जान लीजिए, सावधान सतर्कता हंसी हटी दुर्घटना घटी वाली कहानी हो जाएगी। दोस्तों अब मैं आपको बता दूँ दोस्तों, शेयर बाज़ार में एक बहुत बड़ी चीज़, आप बता दीजिए ये अब संस्कारिक सामाजिक बात इस शेयर बाज़ार से जुड़ा हुआ। दोस्तों भले ये वीडियो अगर टाइम नहीं, अगर वीडियो आप ये टाइम नहीं है तो मत देखिए, यहीं पर रुक जाइए, बाद में सुन लीजिए, बहुत बड़ी आपको बात मैं बताने वाला हूँ। आप एक बात बताइए दोस्तों, अगर आप प्रणाम करते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं तो क्या उसके सर छूकर प्रणाम करते हैं या उसके पैर छूकर प्रणाम करते हैं? क्यों? अगर आप किसी के गलती से भी अगर सर पर प्रणाम करने के बजाय अगर गाल पे हाथ छू, वो नहीं जमजेगा कि ये प्रणाम कर रहा है, कि ये हमारी सुंदरता को निखार रहा है, तो चाटा पड़ना जायज है दोस्तों। वही पैर छूने के बजाय थोड़ा पैर से ऊपर भी घुटने पे भी चला गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन शेयर बाज़ार भी यही कहता है दोस्तों। अगर आप टॉप में हम इसलिए एग्जाम्पल देना पड़ा कि आजकल एग्जाम्पल भी हाईटेक हो गए दोस्तों। कभी भी प्रणाम क्यों करते हैं पैर छूकर? कि कभी थप्पड़ ना पड़े। अगर वही सर के ऊपर प्रणाम करते समय गाल पर स्लिप हो गया तो थप्पड़ पड़ना जरूरी है। शेयर बाज़ार में भी ऐसे, वहाँ टॉप में जिसने खरीद दिया उसको तो
थप्पड़ पड़ना ही है, उसको तो झेलना ही है, उसका नुकसान पक्का है दोस्तों, वो थप्पड़ का ही काम आएगा। और फिर वो पैर को छूते छूते इतनी देर कर देता है कि अपना धैर्य खो देता है और नुकसान में करके बेच के चला जाता है दोस्तों। तो ऐसे MBA पी के सिंह बताते हैं कि किसी की पैर छूना है, गाल बाल और नाक और सर पे प्रणाम नहीं करना है, शेयर बाजार में पैर छूए और फिर वहाँ से सर तक पहुँचिए और उसके बाद सामने आकर प्रणाम कीजिए, शेयर बाजार स्वागत करेगा। इसीलिए कहते हैं MBA पी के सिंह की इंट्राडे टेक मुंबई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा लीजिए दोस्तों, और कमेंट करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट में कुबेर का खजाना, उसको भी बेल आइकन घंटी दबा लीजिए। और तैयार है सभी के लिए आने वाले बजट से पहले ही एक ऐसा लेवल और एक ऐसा स्टॉक जो आपके खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा दोस्तों। 100% गारंटी है कि वो स्टॉक सभी को मैं बता दिया हूँ, एक बार अब नए जो आने वाले मेंबर उनको बताने की बारी है। तो 9920560932 पे आप भी जुड़ जाइए। 15 अगस्त से ये चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं दोस्तों। वो खुश किस्मत है जो पहले जुड़ गए हैं, एक साल पहले, 6 महीना पहले, 2-3 महीने में, और अब YouTube पे सिर्फ और सिर्फ हम शेयर बाज़ार में वही बात करेंगे जिससे आपका विकास हो, आप कुछ सीखें। और ऐसी ऐसी कंपनियों से सावधान रहिए जहां पे आपका पैसा बनने वाला नहीं है। जितना भी एड़ी रगड़ लीजिए, चप्पल घिसा लीजिए, कभी नहीं बढ़ने वाला है। कंपनी बढ़ जाएगी, आप नहीं बढ़ेंगे, लेकिन दो काम MBA बी के सिंह अगर आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। उसी के चलते हम थोड़ा व्यस्त थे, आपका वीडियो नहीं बना रहे थे। दो काम में मैं लगा हूँ, एक तो सिक्योरिटी डीमेट अकाउंट खोलने की कंपनी और दूसरा प्री IPO आपको शेयर देने के लिए। बाद में IPO जब आएगा तो उसका बेनिफिट मिलने वाला दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, ईश्वर से हमें कामना करते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों, तीसरा टॉपिक, देश हमारा न रुकेगा, न झुकेगा, न थकेगा दोस्तों। हम उन मुगलों से सिर्फ सावधान रहें, शेयर बाजार में मुगलों से सावधान रहिए। और ये मुगल कौन है तो आप जान लीजिए, ये मुगल वो शब्द है दोस्तों जो आपको सामने बात जो करेंगे उस बात पे कभी भी इतिहास गवाह है अमल नहीं होते हैं, आपको पीछे से बर्बाद करने की प्लानिंग, चाहे वो देश के भीतरी आंतरिक बात हो, देश की सुरक्षा के साथ हो या शेयर बाजार में हो दोस्तों, ये मुगलों से सावधान रहिए, मुगलों की सोच वालों से सावधान रहिए, नहीं तो आपको पीछे से बार मिलेगा और फिर संभल नहीं पाएंगे दोस्तों। क्योंकि हम आपको एक इतिहास की सच्ची और सही घटना बता दें दोस्तों, महाराणा प्रताप जो उदय राणा प्रताप के पुत्र थे सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, और उनके साथ वो कितना दिल से खुल से मिलने के लिए यही कि युद्ध नहीं करेंगे, मेवाड़ सौंप देंगे, चित्तौड़ सौंप देंगे जो उनका है, तो मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए मने खुले दिल से जो खुले मन से जो मिलते हैं वो आएंगे बातचीत करने के लिए दोस्तों, वो आपकी भलाई सोचेंगे। उनका तो मकसद देखिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ गद्दारी, और उस समय हम महाराणा प्रताप और भगवान श्री राम की वंशज के रूप में इस सनातन के जो संस्थापक हैं, ओल्डेस्ट DNA ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सबसे DNA पुराना हमारा है, वो आपको मैं बात बता दूं दोस्तों। हम सदियों से और वो हमारे साथ सदियों से। महाराणा प्रताप जब जंगल में थे तो आपको मैं बता दूं, कभी भी हम लोग को एक बूंद पानी अगर कोई देता है तो खून देने के लिए तैयार रहते हैं, और MBA पी के सिंह की गारंटी है दोस्तों।
जब महाराणा प्रताप जंगल में थे और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, तो भामा शाह का नाम पढ़ लीजिएगा क्या है जी। भामा शाह एक बहुत बड़े व्यापारी